सबको जय यीशु, जय यीशु मसीह में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज फिर मैं एक बार आप सबका इस प्रार्थना में, स्तुति आराधना में स्वागत करता हूं। इस समय आप सबका इस प्रार्थना में, ऑनलाइन प्रार्थना में आपका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, उनकी महिमा और स्तुति करने के लिए जा रहे हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और अपने आप को तैयार करें, अपने मन को, हृदय को खोलें और प्रभु का अधिकार अपने ऊपर मांगें। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का अभिषेक आज के दिन आप पर, आपके जीवन, आपके परिवार पर उतर आए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। मेरे भाई बहन, प्रार्थना में जुड़ जाइए और प्रभु के अभिषेक से भर जाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी बीमारी को मुझे छूइए और चंगाई प्रदान कीजिए। तो आइए इस समय अपना पूरा ध्यान, अपना मन प्रभु में लगाते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की हम स्तुति करेंगे, वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। सुही किनारा है,
चरणों में आकर बंधन टूटे सारे दुखों के रोग बड़े बड़े सारे बड़े बड़े सारे मिट गए सारे दुखों के बंधन खुशी के साथ ताली बजाते हुए नासरी दे कदम मचिया के दाग बत्तियां दे सारे ही दुख गए यीशु नासरी दे कदम मचिया के दाग बत्तियां दे सारे ही दुख गए रोग बड़े बड़े सारे ही दुख गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए रोग बड़े बड़े सारे ही मिट गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा मुर्दे जीवंदा यीशु लंगड़े भी दौड़ते मुर्दों को जिलाता लंगड़े को भी चलाता जुबानो घूंगे बोलते मुर्दे जीवंदा यीशु लंगड़े भी दौड़ते अन्यानु तिसे दा जुबानो घूंगे बोलते मुर्दे जीवंदा यीशु लंगड़े भी दौड़ते होने यीशु ते ईमान बंदे तू भी रख ले दंग मौत वाले यीशु जी ते अंक चुक ले रोग बड़े बड़े सारे ही मुक्त गए के नाम पर बड़े बड़े रोग बीमारियां मिट गए रोग बड़े बड़े सारे ही मुक्त गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा कर लै मौत नू कबूल साडे वास्ते खोल दित्ते सदा ली सबर कां दे रास्ते हमारे लिए उसने मौत को कबूल कर लिया मौत नू कबूल साडे वास्ते खोल दित्ते सदा ली सबर कां दे रास्ते बड़ी भक्ति के साथ सभी लोग ऊंची आवाज में गाएं कर लै मौत नू कबूल साडे वास्ते खोल दित्ते सदा ली सबर कां दे रास्ते सानू भरिया है अपने जलाले रू दे नाल साडे पाप ते गुनाह वेखो सारे चुप गए सानू भरिया है अपने जलाले रू दे नाल साडे पाप ते गुनाह वेखो सारे चुप गए सारे चुप गए रोग बड़े बड़े सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए रोग बड़े बड़े सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए सारे दुखों के बंधन टूट गए वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा
बड़े बड़े सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टूट गए। रोग बड़े बड़े सारे रोग बड़े बड़े गए, सारे आप भी करिए मेरे बड़े बड़े रोग मिट गए। यीशु नासरी के चरणों में आकर सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टूट गए। यीशु के पास आकर सारे ही मुक गए, सारे दुखां के बंधन टूट गए। यीशु नासरी दे कदम बचियां के दाग बचियां ते सारे ही दुख गए। यीशु नासरी दे कदम बचियां के दाग बचियां ते सारे ही दुख गए। यीशु नासरी दे कदम बचियां के दाग बचियां ते सारे पापों के धुल गए। सारे दुखा के बंधन टूट गए। रोग बड़े बड़े सारे ही मुक गए, सारे दुखा के बंधन टूट गए। रोग बड़े बड़े सारे ही मुक गए, सारे दुखा के बंधन टूट गए। सानू भरिया है अपने जलन रुद नाल, साडे पाप ते गुनाह वेखो सारे दुख गए। सानू भरिया है अपने जलन रुद नाल, साडे रोकियां दा यीशु वैद्य रोकियां दा।
समय बंद रखें। प्रभु की महान उपस्थिति हम सब के बीच में है। मन ही मन प्रभु की आराधना करते जाएं। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का वेद है, जिसके चरणों में आने पर, जिसकी उपस्थिति में आने पर बड़े बड़े रोग खत्म हो जाते हैं, दुखों के बंधन टूट जाते हैं। अभी हमने गीत में गाया, उसने हमारे लिए मौत को कबूल कर लिया और सदा के लिए हमारे लिए स्वर्ग के रास्तों को खोल दिया, और अपने जलाली रूह से, अपने पावन आत्मा से, पवित्र आत्मा से हमें भर दिया और हमारे सारे गुनाह और पापों को उसने मिटा दिया। टूटे दिलों का बस यीशु ही सहारा है, और डूबती हुई बेड़ी का यीशु ही तारणहारा है। मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु ही हमारा सहारा है। यदि हमारा दिल, हमारा मन टूट गया है, उसके पास आए, वो हमें सहारा देगा।
उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को वाणी दी, उसने मुर्दों को जिलाया। उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में सामर्थ्य है। उस प्रभु को धन्यवाद दें उसकी प्रस्तुति के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन थोड़ी देर हम सुनेंगे। प्रभु का वचन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 17 में कहता है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु अपने वचन में हमसे कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु हम सबको बुलाने आए हैं, क्योंकि वचन बताता है हम सब के सब पापी हैं। हमने प्रभु के विरुद्ध, प्रभु की आज्ञाओं के विरुद्ध, प्रभु के वचन के विरुद्ध पाप किया है, और प्रभु हम सबको बुलाने आए हैं। वो हमें प्यार करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं हम पापी हैं और प्रभु हमसे नाराज हैं, हम बीमार हैं, प्रभु ने हमें दंड दिया है, प्रभु हम पर दया नहीं करता। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु हमें मारने वाला प्रभु नहीं है, प्रभु हमें दंड देने वाला प्रभु नहीं है, वो तो हमें चंगा करने वाला, प्यार करने वाला, हम पर दया दिखाने वाला, हम पर करुणा दिखाने वाला, हमें तसल्ली देने वाला, हमें ढारस बंधाने वाला, हमारी सुरक्षा करने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमें बचाने वाला है। कई लोगों के मन में प्रभु के प्रति अलग विचार हैं, कि जैसे प्रभु कोई मारने वाला है, डरावने विचार। नहीं, प्रभु मारने वाला नहीं है, प्रभु ने तो स्वयं हमारे लिए मार खाई। प्रभु हमें दंड देने वाला नहीं है, क्योंकि उसने तो स्वयं हमारे लिए दंड सहा। वो हमें बचाने आया और उसने हम सबको बचाया। यदि हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्य 3 में दिखें, वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु का वचन बताता है, वे तेरे सारे अपराध क्षमा करता और तेरी दुर्बलताएं दूर करता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आपके सारे अपराध, सारे अधर्म को दूर करता, और आपकी जो दुर्बलताएं हैं पाप करने की, आप जो दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, आपकी दुर्बलता को, आपकी कमजोरी को यीशु दूर करता है। प्रभु का वचन हमें बताता है अध्याय 103 और वाक्य 112 में आगे, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। जितना दूर पूर्व से पश्चिम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई माप नहीं है। प्रभु भी हमें इसी तरह से माफ कर देता है, हमें क्षमा कर देता है, और अपनी दोनों बाहें फैलाकर हमारे लिए इंतज़ार करता है कि हम उसके पास आएं। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि प्रभु का वचन कहता है, पुत्र यदि तुमने पाप किया तो फिर ऐसा मत करना, और पश्चाताप करते हुए संपूर्ण हृदय से मेरे पास लौट आओ। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु हमें क्षमा करने वाला है। यदि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 2 देखें, वहाँ पर लिखा, प्रभु ने अर्धांग रोगी से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। चार लोग उसे उठाकर चारपाई पर यीशु के पास लेकर आते हैं कि यीशु उस पर हाथ रखें और ये चंगा हो जाए। और प्रभु के पास जब ये लेकर आते हैं, और प्रभु इस रोगी से, इस अर्धांग रोगी से कहते हैं, पुत्र बेटा, पहले रिश्ता जोड़ते हैं, कहते हैं, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु पापों को क्षमा करने आए, उन्होंने क्षमा किया, पापियों को बुलाने आए। इसने पाप किया था, शायद इसका अर्धांग रोग, इसकी बीमारी पाप की वजह से थी, इसीलिए प्रभु ने इससे कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, और प्रभु ने उसे चंगा किया। प्रभु उसे चंगा करते हैं, प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करते हैं। मेरे भाई और बहन, आज प्रभु भी आपको और मुझ पापी को बचाने और बुलाने आए। उसने बहुत सारे पापियों को बुलाया और बचाया। यदि हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 48 में पढ़ें, वहाँ पर प्रभु ने पापनी स्त्री
से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। पापनी स्त्री से एक बेविचार में पकड़ी हुई पापनी स्त्री को लोग पत्थरों से मारते हुए यीशु के पास लेकर आते हैं। प्रथा थी पुराने जमाने में कि कोई स्त्री जो पाप में गिरी हो, बेविचार में पकड़ी जाने वाली स्त्री को लोग शहर से बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डालते थे, और उस स्त्री को भी माँ पत्थरों से मारने के लिए यीशु के पास लेकर आए, उसे बाहर लेकर आए, और प्रभु उस स्त्री से प्यार करते हैं, उसे बचाते हैं, अपने तरीके से बचाते हैं। और उन्होंने बचाया क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया। और ये शास्त्री फरीसी वहाँ की जनता लोग प्रभु से कहते हैं, गुरुवर ये स्त्री ये महिला व्यभिचार में करते हुए पकड़ी गई है, और मूसा की संहिता के अनुसार प्रथा के अनुसार कहा गया है कि ऐसी स्त्रियों को नगर से बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डालना चाहिए। लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है वह पापियों को बचाने आया, और वो स्त्री पापी थी, और प्रभु ने उसे बचाया। कैसे बचाया? प्रभु कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम में से जो निष्पाप है, जिसने कभी पाप नहीं किया, प्रभु जानते थे सबके सब ये जो दूसरों पर उंगली उछाल रहे हैं ये खुद भी पापी हैं, और प्रभु जानते थे कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो। और यीशु इससे कहते हैं इन लोगों से कि तुम में से जो निष्पाप हैं, जिसने कभी पाप नहीं किया, वो इसे दंड दे, यानी कि वो इसे पहला पत्थर मारे। तुम मानना चाहते हो, दंड देना चाहते हो, ठीक है दो, लेकिन वही देगा, वही पहला पत्थर मारेगा, वही उसके ऊपर उंगली उठाएगा जिसने कभी पाप नहीं किया। और यदि तुम में से कोई ऐसा है तो इसको पहला पत्थर मारे। मेरे प्रिय भाई और बहन, वचन बताता है कि सब के सब चुपके से एक एक करके खिसक लिए, निकल गए। अब यीशु ऊपर नजर उठा करके देखते हैं स्त्री की ओर बड़े प्यार से, और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें किसी ने दंड नहीं दिया? क्या तुम्हें किसी ने पत्थर नहीं मारा? वो कहती है, महोदय गुरुवर, किसी ने भी नहीं। अब यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन एक बात कहते हैं, फिर कभी पाप मत करना। यीशु पापियों को बचाने और बुलाने आए। इस स्त्री को, पाप में बेविचार में पकड़ी हुई स्त्री को यीशु ने बचाया। शायद प्रभु ने जब उससे कहा फिर पाप मत करना, उसने प्रभु की दया ने उसे छू लिया होगा, प्रभु के प्रेम ने उसे भर दिया होगा, उसका मन उसका हृदय व्याकुल हो गया होगा, और उसने फिर कभी पाप शायद नहीं किया होगा, क्योंकि उसने देखा लोग मुझे दंड दे रहे हैं, लेकिन एक है जिसने मुझे बचाया, अब मैं पाप नहीं करूंगी, फिर से उस पाप में नहीं गिरूंगी। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु का वचन लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 2 में भी हमें बताता है, फरीसी और शास्त्री ये कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता और पीता है। ये लोग, संसारिक लोग, शास्त्री और फरीसी, जो अपने आप को बहुत विद्वान महान समझते थे, और यीशु पापियों के बीच जाकर उनके साथ रहते थे, उनके साथ समय बिताते थे, उन्हें वचन सुनाते थे, पाप से विमुख होने का रास्ता बताते थे, उन्हें क्षमा करते थे, उनसे घृणा नहीं करते थे। आज हम जो हैं बुराई करने वाले, पाप करने वाले लोगों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से नफरत मत करो, बल्कि उसके अंदर काम करने वाली बात, उसके अंदर काम करने वाला पाप, उस पाप से तुम घृणा करो। यदि शराबी है उससे घृणा मत करो कि ये नशा करता है, नहीं, उसके अंदर जो काम है शराब नशा करने की आदत, उस आदत से घृणा करो, नशे से आप घृणा करो कि आप भी ना करें। मेरे प्रिय भाई और बहन, शायद आप उसे प्यार करोगे। हम जो है बचते हैं,
अरे ये गलत जीवन जीता है, ये बुराई का जीवन जीता है, ये झगड़ा करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, इसका आचरण ठीक नहीं है। लेकिन यदि आप उसके साथ प्यार से रहोगे, यदि प्यार से आप उसे समझाओगे, शायद आपका समझाना, आपका प्यार उसे उस पाप से बचा ले। क्योंकि यीशु ने पापियों को प्यार किया, अपने प्रेम से भरा, और उनके प्रेम ने उन पापियों को पाप करने से बचा लिया। आप भी एक पापी के मन को बदल सकते हैं, आप उससे गुस्सा कर झगड़ा करके, नफरत करके, क्या आप उसकी आत्मा को बचा सकते हैं? नहीं, नहीं बचा सकते। लेकिन आप यदि उसके साथ बातचीत करोगे, उसके साथ उठोगे बैठोगे, प्रभु ये नहीं कहता कि उसके पास मत जाओ, ऐसे व्यक्तियों के साथ संगति मत करो, लेकिन प्रभु ये कहता है कि उसके अंदर विद्यमान रहने वाला पाप बुराई, उस बुराई से, उस बात से तुम परहेज रखो, उस बात से तुम नफरत करो, उस बात से तुम बचो, ना कि उस मनुष्य से। क्योंकि हर एक इंसान और मनुष्य, मेरे भाई मेरी बहन, ईश्वर का प्रतिरूप है। और वचन हमें उत्पत्ति ग्रंथ में बताया कि प्रभु ने हम सबको, आपको और मुझे, पापी को और धर्मी दोनों को प्रभु ने अपने स्वरूप बनाया, हर एक इंसान को अपने हाथों से बनाया, अपना प्रतिरूप बनाया। आप में से हर एक इंसान ईश्वर का प्रतिरूप है, आप उसमें ईश्वर को ढूंढिए, उसके रूप को देखिए। प्रभु भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है। यदि आप उससे नफरत करोगे, शायद उससे नफरत करने के कारण वो और पाप में गिरता जाए, और पाप में गिरता जाए, आप उसे बचा नहीं पाते। लेकिन वचन भी बताता है, यदि तेरा भाई पाप करता है, बुराई करता है, गलत जीवन जीता है, और यदि तुझे पता लगे कि तेरा भाई, तेरा पड़ोसी, तेरा मित्र, तेरा संबंधी, जिसे तू जानता है, जो पाप करते हुए जिसे तू देख रहा है और नजरअंदाज कर रहा है, उसे छोड़कर जा रहा है, नफरत कर रहा है, मुंह फेर रहा है तू उससे, यीशु कहता है यदि ऐसा तू करता है और तू उसे नहीं बचाता, तो उसके पाप का दंड, उसके पाप का भागी, यदि उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है उस पाप के कारण, तो उसके रक्त का भागी तू होगा, क्योंकि तूने देखा और तूने उसे बचाया नहीं। यीशु ने भी बचाया, यीशु ने पापियों से नफरत नहीं की, यीशु ने हमें सिखाया कि कैसे पापियों को बचाना है पाप से। आज हमें भी प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए, वचन का पालन करते हुए वही करना है, उन्हें सिखाना है, उन्हें समझाना है, उन्हें बताना है, मेरे भाई मेरी बहन ये जो तुम कर रहे हो गलत है, उससे नफरत मत करना। और वचन बताता है यदि वो अपने पाप के कारण मर जाता है, तो उसके रक्त का भागी तू होगा। और यदि तू उसे समझा देता है, यदि तू उसे मार्ग और रास्ता दिखाता, उसके बाद भी वो नहीं सुधरता और पाप में गिरा रहता, और उस पाप की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो रहा है, तो उसके पाप का भागी वो स्वयं होगा। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है, रोमियों का पत्र अध्याय 5:8 में लिखा है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। ईश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण दिया, कैसे? हमारे पापों के कारण वो मर गए, हमें बचाया। प्रभु पापियों को बचाने आए, प्रभु आपको भी बचाएंगे। इब्रानियों का पत्र अध्याय 8:12 में लिखा हुआ है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। प्रभु आपके पापों को क्षमा कर देंगे और वो आपके पाप को याद नहीं रखेंगे। कब? जब आप अपने पाप को त्याग कर, छोड़कर उन बातों को जो ईश्वर के राज्य के, ईश्वर के वचन के, प्रभु के नियम के विरुद्ध और खिलाफ हैं, उन्हें त्याग कर, छोड़कर जब आप प्रभु के पास आओगे, अपना मन बदलोगे और पश्चाताप करोगे और कहोगे, प्रभु मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ, मैं इन सब को छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु आपको अपने गले लगाएगा, प्रभु आपको अपने गले लगाएगा, प्रभु आपको प्यार करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, उड़ाव पुत्र के विषय में हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि उसने पाप किया,
ईश्वर के विरुद्ध और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया, लेकिन पाप में वो पड़ा नहीं रहा, वो होश में आया, उठा और वो कहता है मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और उनसे कहूंगा पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया है, मुझे मुझ पापी पर दया कीजिए। और उसका पिता, हमारा पिता, जब हम ऐसे कहते हैं प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध अपराध और पाप किया है, मुझे इस पाप से निकाल, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ, मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ, तब प्रभु अपनी दोनों बाहें फैलाकर हमें बुलाता है, दोनों बाहें फैलाकर आज वो हमारा इंतजार करता है। बड़ा पुत्र का पिता भी उसका इंतजार करता रहा और उसने दोनों बाहें फैलाकर उससे गले लगाया। हमारा पिता भी हमें गले लगाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का प्यार अपरंपार है। प्रभु हमें दंड नहीं देगा, प्रभु हमें दंड नहीं देगा। अब हम लोग पाप करने वाले व्यक्ति से, पाप में जीवन जीने वाले व्यक्ति या गलत काम करने वाले व्यक्ति से नहीं मिलते, बातचीत नहीं करते, घृणा नफरत करते हैं, लेकिन प्रभु हमें सिखाता है कि हम उन्हें प्यार करें, उन्हें बचाएं, उन्हें रास्ता दिखाएं। अब मेरे भाई मेरी बहन, एक और बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु पापियों को बचाने आए और हम ये सोचें हम पाप करें फिर क्षमा मांग लें, फिर पाप करें फिर क्षमा मांग लें, लेकिन हमें वचन बताता है। वचन क्या बताता है? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5:5-6 क्या कहता है? क्षमा पाने की आशा से पाप पर पाप मत करते जाओ। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु एक और कहते हैं वो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आए, और उन्होंने बुलाया, क्षमा किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आपके मन में ये बात भी रहनी चाहिए, आपको इतना भी पता होना चाहिए कि हम बार बार ऐसा नहीं कि हम पाप करें और प्रभु के पास जाएं, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, क्षमा कर दे, मैंने ऐसा किया, रात को शराब पी, प्रभु से सुबह कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने रात शराब पी, अब से नहीं पीऊँगा, फिर अगले दिन वही करते हैं, गुटखा पान तम्बाकू बीड़ी खाते हैं, फिर कहते हैं किसी ने समझाया अब से नहीं करूँगा, प्रभु माफ़ कर दे, फिर ऐसे ही करते हैं, चोरी की फिर बाद में प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर वही पाप करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? बार बार क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। ये मत कहो उसकी दया असीम है, वे मेरे असंख्य पाप क्षमा कर देगा। प्रभु कहता है ये मत कहो, ये मत अपने मन में विचार मत बैठाओ कि उसकी दया असीम है, वे मेरे असंख्य पाप क्षमा कर देगा। हमारे प्रभु हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ वर्ताव तो नहीं करता, यदि वो हमारे साथ पाप के अनुसार वर्ताव करता तो हम सब के सब उसके सामने टिक नहीं सकते। वे हमारे ऊपर उपकार करता है, भलाई करता है, वो प्रभु हमारे ऊपर उपकार और भलाई करते हुए हमारे पापों से हमें उसकी ओर मुड़ने के लिए, उसके पास आने के लिए सिखाता है। वो इसलिए ऐसा करता है कि हम उसके पास मुड़ आएं, उसके पास लौट आएं। वह नहीं चाहता कि किसी का भी सर्वनाश हो, वो ये चाहता है कि हम सब के सब बचाए जाएं। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम सब के सब बचाए जाएं। प्रभु कहता है धोखे में ना रहें, जो व्यक्ति ये जानता है उसे क्या करना है और वे नहीं करता उसे पाप लगता है। आप जानते हैं नशा करना, शराब पीना, गुटखा पान तम्बाकू खाना पाप है, क्योंकि वचन बताता है। क्या तुम नहीं जानते आपका शरीर आपका मन ईश्वर का मंदिर है, उसका निवास स्थान है, और प्रभु कहता है यदि कोई उसे बर्बाद करेगा, नष्ट करेगा, बुराई पाप करके, वासनाओं में पड़कर, चोरी, नशेबाजी, व्यभिचार, गलत स्त्री के साथ रहते हुए इस मन को, इस शरीर को, इस मेरे निवास स्थान को अपवित्र करेगा, प्रभु कहता है मैं उसे नष्ट कर दूंगा। प्रभु कहता है मैं उसे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन आपको मालूम है, आप जानते हैं, आप जानते हुए भी कि ये पाप है, आप जानते हैं कि मेरी पत्नी है उसके बावजूद किसी दूसरी पत्नी के साथ रिश्ता बनाना पाप है, आप जानते हैं उसके बाद भी वही करते हैं, आप जानते हैं नशा करना पाप है,
फिर भी नशा करते हैं। आप जानते हैं झगड़ा करना पाप है, ईश्वर के विरुद्ध है, फिर भी वही करते हैं। और जो व्यक्ति ये जानता है फिर भी वही करता है, तो प्रभु का वचन कहता है उसे पाप लगता है, पाप लगता है, पाप लगता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5:4 में क्या लिखा है, ये मत सोचो कि मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा। आप पाप पर पाप करते जाओ और ये कहो कोई बात नहीं चलता है, एक पैग पीने से चलता है, एक सिगरेट पीने से क्या होता है, पत्नी थोड़ी देखती है मैं किससे बात कर रहा हूँ गुपचुप, चोरी की कौन देखता है, किसी की चुगली कर रहे हैं क्या होता है, पीठ पीछे किसी के बारे में बातें बना रहे हैं, किसी की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, किसी का पैसा आपने हड़प रखा है, प्रभु का जो है जो प्रभु को नहीं देते, आपको मालूम है जो हमारी कमाई है उसका दशमांश प्रभु को देना है फिर भी दबा के रखते हैं, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, बीमारी में बरकत नहीं आ रही है, खो गया लुट गया आशीष नहीं है। जब आप चोरी करोगे प्रभु का जो है दशमांश प्रभु को नहीं दोगे, प्रभु के कार्य के नहीं दोगे, प्रभु से चुरा के रखोगे, अपने काम के लिए इस्तेमाल करोगे, आप जानते हो प्रभु का है, फिर भी क्या वचन कहता है, ये मत सोचो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा। आपने प्रभु का चुरा करके रखा और ये सोचो कोई बात नहीं क्या बिगड़ा। आपका पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है बिगड़ रहा है, देखिए आपका घर में बरकत नहीं है बिगड़ रहा है, सैलरी मिलती है आती है पता नहीं कहाँ चली जाती है बिगड़ रहा है। आप प्रार्थना समय है प्रार्थना का, आप प्रार्थना में नहीं बैठ रहे, प्रभु का जो समय है प्रभु को समय नहीं दे रहे, क्या हो रहा है बिगड़ रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है घर में, परिवार के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे बिगड़ रहा है। ये मत कहो मैंने ऐसा किया तो कोई बात नहीं, आज प्रार्थना नहीं की आज ऐसा नहीं किया। लेकिन मेरे भाई और बहन रोमियो का पत्र अध्याय 2:4 में कहता है ईश्वर की दयालुता हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। यदि आज हम प्रभु ने हमें बचाया उसके बाद भी हम पाप पर पाप कर रहे हैं बुराई का जीवन जी रहे हैं तो प्रभु की ये दया है कि आज अभी जिंदा हैं आप सुरक्षित हैं। आप नशा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नशा करते हैं, बीड़ी गुटखा पान तंबाकू खाते हैं, उनकी किडनियां फेल हो जाती हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, शरीर गल जाता है, मर जाते हैं, हमें पता है हो रहा है लेकिन हम भी फिर भी पी रहे हैं, क्यों कुछ नहीं होता। आपको पता है ऐसा हो रहा है लेकिन आप सुरक्षित हैं, क्यों, क्योंकि ये ईश्वर की दया है आपके लिए, आपकी दया है। मेरे भाई मेरी बहन लोग आप भी आप चुगली करती हैं, पीठ पीछे किसी की बात करती हैं, दूसरे के नाम को बदनाम करती हैं, पति पर गुस्सा करती हैं, बहुत सारे ऐसी बातें करती हैं, और यदि आप सुरक्षित हैं अभी और आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आपका शरीर ठीक है, बीमार नहीं पड़े हो, बिस्तर में नहीं पड़े हो, लेकिन प्रभु कहता है क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ नहीं तो एक दिन बिगड़ जाएगा। और वचन बताता है कि ये उसकी दया है, ये उसकी दया है, और उसकी दया हम क्यों है, क्योंकि वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें, क्योंकि वचन बताता है उसकी दयालुता हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। आप सुरक्षित हैं इसलिए प्रभु चाहता है कि आप पश्चाताप करें और पाप को त्याग कर प्रभु के पास आ जाएं। नेमिया का ग्रंथ अध्याय 9:17 में प्रभु कहता है परंतु तू एक क्षमा शील करुणामय और दयालु ईश्वर है, तू देर से क्रोध करता है और सत्य प्रतिकिता को धनी है। यीशु हमारा ईश्वर दयालु है, देर से क्रोध करता और सत्य प्रतिकिता का धनी है। मेरे प्रिय भाई और बहन विचार करें, प्रवक्ता 5:7 में कहता है क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका कोप पापियों पर भड़क उठता है। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ क्योंकि उसके अंदर दया के अलावा कोप भी है जो पापियों पर भड़क उठता है। इब्रानियों 10:17-18 में प्रभु कहता है मैं उनके पाप और अपराधों को याद भी नहीं रखूंगा, जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं
तो फिर आपके लिए कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके लिए, आपके पापों के लिए क्रूस पर मर गए, उन्होंने लहू बहाया, उस लहू से आपको खरीदा, आपके अपराध और पाप को क्षमा कर दिया, मिटा दिया। यदि उसके बाद भी फिर आप वही करते हैं तो आपके बचाने के लिए अब कोई बलिदान नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमने सुना, प्रभु के वचन में ताकत है, शक्ति है। प्रभु का वचन हमें उसकी ओर प्रेरित करता है। इब्रानियों 10:26 में कहता है, क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जान बूझ कर पाप करते रहते हैं तो पाप के लिए कोई और बलिदान नहीं रह जाता। प्रवक्ता 2:13 में कहता है, ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है, वे पापियों को क्षमा करता और संकट के दिन में हमें बचाता है। प्रभु हमें बचाता है, पापियों को क्षमा करता और संकट के दिन में उन्हें बचाता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आपको बचाएगा और उसने बचाया है। ईश्वर की दयालुता आपको पश्चाताप की ओर ले जाती है। आप पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट आएं, क्योंकि प्रभु ने आपको बचाया है। प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको बचाएगा। पाप से विमुख हो जाएं, आप प्रभु के विषय में गलत धारणा न रखें कि प्रभु दंड देने वाला, क्रोध करने वाला, मारने वाला है। नहीं, वो बचाने वाला है, वो आपको बचाएगा, पाप से आपको बचाएगा। आज प्रभु से आप कहिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए, मेरे अपराध को, मेरे पाप को क्षमा कीजिए और मुझे पाप से विमुख कीजिए। प्रभु मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, प्रभु प्रभु मेरे जीवन को बदलिए। दोनों आंखें इस समय हम बंद करेंगे और इस समय हम कुछ देर प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। इस समय आंखें बंद करें, दोनों हाथों को जोड़ें, पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं और कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, तेरा वचन बताता है प्रभु तू धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया। प्रभु उनमें से एक पापी मैं भी हूँ, मुझे बचाइए पाप की दलदल से, पाप की कीचड़ से, पाप में जिंदगी से, पाप की दुनिया से, उन बातों से जिनमें मैं धसा हूँ, गिर चुका हूँ, पाप में पड़ा हूँ। प्रभु उस पाप के दलदल से मुझे निकाल, मुझे बचा प्रभु। प्रभु मुझे पश्चाताप करने की कृपा दे, तेरे पास लौटने की कृपा दे। प्रभु तूने पापनी स्त्री को बचाया, समारी स्त्री को बचाया, जितने लोग पाप में गिरे थे, जेकियूस भी पाप में था, तूने उसे बचाया। प्रभु मुझे भी दूसरे लोगों को और स्वयं अपने आप को बचाने की शक्ति दे। प्रभु मेरा रिश्ता तुझसे गहरा हो, महान प्रेमी स्वर्गीय पिता। इस समय जो लोग प्रार्थना में जुड़े, प्रार्थना देख रहे हैं, प्रभु तू इन्हें वरदान दे पश्चाताप का, पाप से बाहर निकलने का, पाप को छोड़ने का, पाप को त्यागने का, तेरे साथ जीने का, तेरे साथ रहने का प्रभु वरदान दे। इन्हें तू छू, इनके रोगों को जो पाप के कारण इनके जीवन में आए क्षमा कर और इनके रोग को मिटा दे प्रभु, क्योंकि तूने अर्धांग रोगी से कहा, पुत्र बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। शायद वो पाप की वजह से बीमार था। मेरे प्रिय भाई और बहन, शायद आप लंबे समय से बीमार हैं, हो सकता है कोई पाप आपका ऐसा है, आप प्रभु से उस पाप के लिए क्षमा मांगें। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ उसके लिए क्षमा मांगें, दया मांगें, प्रभु से कहें, प्रभु दया कर, मेरे रोग को, पाप को मिटा दे, मेरे पाप को क्षमा कर, तेरे पावन लहू से मुझे धो दे, क्योंकि तेरा वचन बताता है ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का लहू आपको इस समय हर एक पाप से शुद्ध करे, धो दे, नया बना दे, कोमल बना दे। प्रभु से कहें, प्रभु दया कर, प्रभु मुझे छुटकारा दे, छुटकारा दे। प्रभु एक एक को पाप से छुटकारा दे, इनकी बीमारी से छुटकारा दे, इनके कर्ज से, रोग से छुटकारा दे। इनके जीवन में जो आशीषें बंधी हुई हैं इस समय खुल जाएं। प्रभु जो पैसे की बरकत नहीं है, बंधी हुई है, खुल जाए इस समय। चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो, वचन बताता है ईश्वर के पुत्र के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। इसी समय मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में चमत्कार हो। इस समय जो प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, इनके जीवन में चमत्कार प्रकट हो, इनकी तकलीफ रोग बीमारी दूर हो, आशाओं को लेकर जो इनकी आशाएं पूरी हो, जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने किसी भी मकसद के लिए, हर एक प्रार्थना प्रभु सुन ले, कबूल कर प्रभु, पूरी होकर प्रभु इन्हें आशीष दे, इन्हें मुंह मांगा वरदान दे, क्योंकि तेरा वचन बताता है यहोवा पिता ईश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान देगा, वरदान देगा। स्तुति करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, दया मांगे प्रभु से। प्रभु मेरे पाप की वजह से यदि मेरे जीवन में कोई बीमारी है, उस पाप को मिटा दे, दया कर।
यीशु तू दया का सागर है महान, यीशु तू कृपा का आधार है महान, यीशु तू कृपा का आधार है महान, प्रभु कृपा करने की कृपा कर, दया करने वाला है, आप पर दया करेगा, उसकी दया आप पर आ रही है, वो अपनी दया से आपको भर रहा है इस समय। आपको छोड़ करके चली जाएगी, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, यीशु की दया मांगे, वो दया करने वाला है। शायद आपके पाप की वजह से हो सकता है आपके घर में परिवार में झगड़ा है, बीमारी नहीं जा रही, आप चंगे नहीं हो रहे, आज प्रभु की दया आप पर उतर आएगी, आपके जीवन को, आपके शरीर को, आपके घर को प्रभु आपके पावन लहू से धो देगा और चंगाई मिल जाएगी। घुटने में आ जाए इस समय, दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाएं और दया मांगे, कहे प्रभु मुझको तू क्षमा कर, जैसे उन्होंने अर्धांग रोगी से कहा बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए और उसे चंगाई मिल गई, वैसे ही प्रभु आज आपसे कहता है बेटा बेटी आपके पाप क्षमा हो गए, आप शांति पूर्वक जाइए, धन्यवाद दीजिए प्रभु को, प्रभु मेरे पाप मेरे अधर्म को मिटाने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, मेरे जीवन के बंद दरवाजों को खोलने के लिए धन्यवाद। जब हम पाप क्षमा कर मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास लौट आते हैं, हमारे जीवन के बंधन खुल जाते हैं, आशीषों के रास्ते खुल जाते हैं। और इस समय आपने प्रभु से दया मांगी है, प्रभु की दया आप पर उतरी है, प्रभु ने आपके लिए रास्तों को खोल दिया है, उस प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, मुझ पापी पर दया करने के लिए,
मेरे लिए मार्ग रास्ता खोलने के लिए, मेरी बीमारी मेरी दुर्बलता कमजोरी पर दया करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की दया आपके लिए पर्याप्त है। प्रभु ने आपको छुआ और प्रभु ने आपके रोग पीड़ा कष्ट को मिटा दिया। प्रभु ने आपके अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। प्रभु को धन्यवाद दें। और आज से आपके जीवन में जो अभी तक बीमारी ठीक नहीं हुई और नहीं हो रही, आपने प्रभु से दया और क्षमा मांगी है, पाप को अधर्म को छोड़ने का निर्णय लिया है और पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटने की आशीष आपने मांगी है, प्रभु ने आपको दे दी है। और अब से आपके जीवन में नया होगा, नयापन आएगा, आशीषें खुल गई हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का संदेश आपके लिए आज यही है कि प्रभु धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया है। प्रभु हम सबको बुलाने आया है, प्रभु बचाने आया है, उसने आपको बचाया है। और वो ये कहता है कि क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। प्रभु का संदेश है, संदेश को बनाए रखें। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ इस समय इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए। और आपसे अनुरोध करूँगा अधिक से अधिक लोगों को प्रार्थना भेजिए ताकि और प्रभु का कार्य बढ़े, लोगों को ऐसी चंगाई मिलती रहे, आशीष मिलती रहे। और आप भी अपनी गवाही भेज सकते हैं और अपना प्रार्थना निवेदन आप भेज सकते हैं जिससे हम आपके लिए प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, आप अपना प्रार्थना निवेदन मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में फ़ोन कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर पर आप अपनी गवाही और प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो नीचे जो लाइन चल रही है वहाँ पर भी ये नंबर लिखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। यदि आप में से कुछ लोग कोई जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें पर्सनल फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये प्रार्थना प्रतिदिन रात 8:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल में आती है। आप यूट्यूब में जाकर इसे सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं यदि सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जिनको आप भेजते हैं प्रार्थना, उनको भी बोलिए कि दूसरे लोगों को भेजें और सब्सक्राइब कर दें। प्रिय भाई और बहनों, कल फिर हम मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। तो प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु आपको आशीषें देने जा रहे हैं और देंगे। इंतज़ार करते रहना, प्रभु का देगा ज़रूर। और आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम और प्रभु में गहरे होते जाएं। आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।